Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 301. Friday, 17th of September 1982. Today is Shukravari Beach. I traveled from Edmonton to Red Deer. This voice was made in Red Deer Chandrat Majlis. ये अली मदद जिंदा रहो। आपके इस रेड डियर में 3 बरस के बाद मैं आया हूँ। 79 में इसी जमात खाने के अंदर लाइफ की मजलिस के वक्त में आया था। आपकी मुलाकात से मुझे खुशी हुई, लेकिन दिल मुझको भी संतोष न हुआ। इंशाल्लाह कभी दूसरे बरस में आऊंगा तो आपके पास एक आध दिन ठहरूंगा। धीर वाला सतगुर साथ गोठड़ी की जय वतन तवा अखर सुधली जेरे वाला जैना थकी भव सागर तरी है भाई से मैंने इस पाठ की जो वरानी है वो दूसरे की नान की बोली है। आज मंदिर रड़ियामना दी है, ये वरानी इसकी है, लेकिन मैंने जानबूझ के अपने टॉपिक के वास्ते दूसरे की नान की वरानी ली। सतगुर साथ है गौछड़ी कीजे संतव अक्षर सुध लीजे जेना थकी भव सागर सरिये सेवा से साहेब नी कीजे। श्री सदरदीन फरमाते हैं कि तुम दोस्ती करो मौला के साथ। गोष्ठी कहते हैं भेद की राज की मन की बातें करना, और मन की बातें आदमी से कहता है कि जिसके साथ उसकी मोहब्बत हो गए। सतगुरु साथ से गोछड़ी कीजिए, अपने दिल की बातें, अपने भेद की राज की प्यार की बातें तुम अपने मुर्शिद के साथ करो, और उसने जो तुम्हें मजहब का भेद दिया है, संतव कहते हैं ऐसे को, संस्कृत भाषा में तत्व है लेकिन हम जिनानों में तंतव बोलते हैं। तत्व का मतलब एसेंस, तत्व का मतलब किसी खास एक चीज के अंदर जो की पॉइंट होवे या भेद होवे राज होवे उसको तत्व कहते हैं। और फरमाया कि मजहब का जो तत्व अक्षर है उसकी तुम शुद्ध और समझ लो, वो तत्व बैतुल ख्याल का बोल है। संतव अक्षर यानी बैतुल ख्याल का इसमें आजम, उसकी तुम खुद उठाओ समझ लो। जिस मौला ने तुम्हें इस दुनिया से पार उतारना है उसकी खिदमत करो, सेवा करो। आज हरी मारे आंगने आया। मैंने ये वरानी इसलिए बोली कि 26 तारीख को एक महीना पहले मौलाना हजर इमाम 2 महीने के करीब आपके इस देश में
पधरामनी की बरनबी जमात खाने के फाउंडेशन स्टोन की सेरेमनी में भाग लिया। मौलाना हजर इमाम ने उस वक्त जो फरमान किए, आप जमात में मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि जरूर सुने होंगे। मोमिनों, अगर नहीं सुने तो मैं मुखी कमरिया साहबों को अर्ज करता हूँ कि वो जमात के अंदर वापस पढ़े, अगर पढ़े हैं फिर भी पढ़े। और जमात का ध्यान खींचता हूँ कि हजर इमाम के उन फरमानों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैंने गए 15-20 दिन से इन फरमानों के ऊपर और इमाम ने जो स्पीच दी है उसके ऊपर मैंने जमातों को वाज़े सुनाई हैं। इमाम ने उसके ऊपर बहुत बड़ा जो जोर दिया है तो वो ये है कि तुम कनाडा को अपना परमानेंट घर समझो। ऐसे कई अपने भाई बहन के जिनके ख्याल अभी भी अफ्रीका की तरफ या अपने पुराने उस रेथान की तरफ के जहाँ से वो आए हैं ख्यालों के अंदर घूमते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो ये समझते हैं कि हम किसी और देश में चले जाएं तो इमाम ने उस चीज़ के लिए हमको मना किया है। बोला फरमाते हैं कि कनाडा तुम्हारा घर है, परमानेंट घर है, तुम्हारा भी और तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन का भी। इस मुल्क में अपनी रूट्स को ऊंडा लगाओ और इस तरह से बैठो कि हमें हमेशा यहाँ रहना है। इमाम के इन फरमानों में बड़े भेद हैं। इमाम ने हमको अपनी लेक्चर के अंदर वहाँ यह भी फरमाया कि आज वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इस्लाम का जो इमेज है, इस्लाम का नाम कुछ खराब हो चुका है। बहुत से इधर के जो लोग हैं वो इस्लाम को एक अग्रेसिव दीन के तौर पे लेते हैं। दुनिया के अंदर ऐसे एक दो वाकयात हो गए ईरान में, इराक वगैरह के अंदर, कि जिसकी वजह से इस्लाम का नाम थोड़ा बिगड़ गया। इमाम फरमाया तुम इस तरह से इस मुल्क में रहो कि इस्लाम का नाम ऊंचा हो गए, कारण कि हम लोग मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है और इस्माइली हमारा मजहब है। हजर इमाम के हुक्म के ऊपर अमल करना हमारा दीन फर्ज है। इमाम ने हमें एक और चीज फरमाई और वो ये फरमाई कि तुम इस मुल्क में रहो तो अपनी जूनी प्रणाली का कुछ छोड़ो नहीं। तुम्हारे बाप दादा की जो रीत रस्म रिवाज, तुम्हारे बाप दादा की जो ट्रेडिशन और प्रणाली का है उसको भूलना नहीं। अपने धर्म के ऊपर मजबूती के साथ मुस्तकीम रहो। ये सब बातें जो इमाम ने कही हैं दिनदारों उसके अंदर हमारे लिए बहुत फायदे की चीजें हैं। मैं ये चाहता हूँ आप लोगों का ध्यान खींचूं कि जमात खाने के अंदर लंबे पांव करके मत बैठो। मोमिनो, ये जो दीन है हमारा मजहब जो है, ये मजहब नबियों का मजहब है, ये मजहब फरिश्तों का मजहब है। इस मजहब को हमने समझा नहीं, हमने इस मजहब की कदर नहीं की, हमने इस मजहब को बाप दादा से लिया, इसके लिए हमने यूं ही अमल किया। सुबह हुई बिजनेस पे चले गए, शाम को थक गए, किसी दिन शुक्रवार हुआ, चांद रात हुई, कोई बड़ा दिन हुआ तो चलो हम जमात खाने आए, या जमात में ऐसे थोड़े लोग हैं कि जो सुबह शाम जमात खाने आते हैं। मैं आप भाई बहनों का मैं ध्यान खींचता हूँ कि आपने हजर इमाम के साथ प्रॉमिस किया है कि नहीं किया है। आपने हजर इमाम के साथ बैत की है तो वो बैत एक किस्म का प्रॉमिस है। बैत का मतलब ये होता है कि या मौला, मैं कसम खा के मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तू जो हुक्म करेगा मैं अमल करूँगा, इसका नाम बैत है। अगर हमने अपनी बैत को नहीं समझा है तो आज मैं आपको समझा रहा हूँ कि अरबी जबान का जो लफ्ज बै है उसका मतलब है एग्रीमेंट, उसका मतलब है इरिवोकेबल प्रॉमिस। इरिवोकेबल का मतलब ये होता है कि हम बाद में उसको तोड़ नहीं सकते, फिरा नहीं सकते, बैत टूट नहीं सकती। एक दफा हमने बैत की तो हमको मौत आ जाए लेकिन हमारी बैत इमाम के साथ टूट नहीं सकती। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना मजहब छोड़ दिया, उन्होंने बैत तोड़ दी, तो हमारे मजहब के अंदर उन लोगों के साथ हम अरस्तों से पक्षी तरफ जिन तरफ आई
सजदो करो उन तरफ आई पग लंबा करो। मौलाना के सबूत दीजिए। बैत का मतलब दीनदारो ये है कि हमने इमाम के साथ उसको अपना मुर्शिद मान के, उसको अपना दीन दुनिया का रहबर मान के, खुदा का नूर मान के हमने बैत की। मौलाना हजर इमाम ने हमारे साथ प्रॉमिस किया, जिस तरह हमने बैत की है, मौला को प्रॉमिस दिया है उसके फेथफुल होने का, ऐसा इमाम ने हमारे साथ प्रॉमिस किया है। और उसका जो प्रॉमिस है वो ये है कि दीन में दुनिया के अंदर मैं तुम्हें दौरवनी दूंगा, तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, तुम्हारे लिए मैं जोखमदार हूँ। 1964 में मौलाना सुल्तान मौलाना हजर इमाम पाकिस्तान के अंदर थे। पाकिस्तान का दो दिन का जब प्रोग्राम बाकी था तो मौलाना हजर इमाम ने अपना पाकिस्तान का प्रोग्राम कैंसिल किया, सब नैरोबी आए। मैं खुद उस वक्त नैरोबी में बैठा था। मौला खड़े हुए, उस वक्त केनिया के अंदर एशियन के विरुद्ध में कुछ प्रोपेगेंडा हो रहा था और अपनी जमात में थोड़ा अपसुख हो गया। मौलाना हजर इमाम जमात में खड़े हुए, मैं इधर बैठा था। यानी मैंने आपको इसलिए कह रहा हूँ कि उसके अंदर मेरी कुछ भूल नहीं हो रही, अल्हम्दुलिल्लाह। एक हाथ से मौला गले में पहने हुए चेन को अपनी उंगली के साथ खेल रहे थे, दूसरे हाथ से माइक पकड़ा था और इमाम ने फरमान किए कि मैं अपनी पाकिस्तान की मुसाफरी ब्रेक करके तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि तुम लोग जरा घबरा गए हो। बिल्कुल घबराना नहीं, कोई फिक्र मत करना। माँ बाप बोलते बोलते साहब ने अपना जो हाथ जिससे वो खेल रहे थे ऐसा सीने मुबारक पे रख के साथ कहते हैं, मेरे रूहानी बच्चों, यू डोंट वरी, आई विल वरी फॉर यू। तुम कोई फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए चिंता करूंगा। इमाम के वो शब्द 1964 के 1972 में जब युगांडा के अंदर तकलीफ आई तो इमाम ने अपने उन शब्दों को पूरा किया। जो हमारे भाई बहन उधर रह गए उनके लिए स्पेशल चार्टर प्लेन की सर्विस करके अपने इस्माइलियों को निकाल लिया, जो नहीं निकल सकते से निकाल लिया। मैंने आपको ये दाखला इसलिए दिया है कि जिस तरह हमने हजर इमाम के साथ प्रॉमिस किया है, इस तरह से हजर इमाम हमारे साथ प्रॉमिस करता है। मैं आपको एक और बात सुना, 1945 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि मुम्बासा में आए और मुम्बासा के अंदर तमाम जितने भी ईस्ट अफ्रीका के मुस्लिम फिरके थे सबके बड़े बड़े लोगों को साथ में इनवाइट किया। ये ओपनिंग थी ईस्ट अफ्रीकन मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की। इमाम ने चेयर के ऊपर सीट ली, इर्द गिर्द कुछ लोगों को बुला के बिठाया, अरब बड़े लोग थे, एबाजी थे, सोमाली थे, जंजीबार के लोग थे, पंजाबी मुसलमानों के लीडर थे, बोहरों के जमात के लीडर थे, इसनाशरी थे और अपने इस्माइली थे। जितने भी मुसलमान थे उन तमाम मुसलमानों की तमाम कम्युनिटीज के बड़ों को साथ में बुलाया। लगभग 300-350 की हाजिरी थी। डॉक्टर राणा ने मौला के आमंत्रण के लिए स्पीच की और इसके बाद मौला खड़े हुए, कुरान की तिलावत वगैरह हो गई। माँ बाप ने अस्सलामु अलैक के बाद उनको पहला क्वेश्चन ये पूछा कि इस्लाम के अंदर ये एक हकीकत है कि हम गुजर जाएंगे तो खुदा के पास हमको जवाब देना है, तो अल्लाह हमको ये पूछेगा जब भी कि तुमने इस्लाम के लिए दुनिया में क्या किया, तो मैं तुमको पूछता हूँ कि तुम क्या जवाब दोगे। सब चुप हो गए, जवाब की इंतजार के अंदर मौला चुप हो गए, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, सबके मुंह नीचे हो गए। माँ बाप ने वापस अपने सवाल को रिपीट किया कि जब हम खुदा के पास जाएंगे मरने के बाद तो खुदा हमसे पूछेगा कि तुमने इस्लाम के लिए क्या किया, तो तुम उस वक्त क्या जवाब दोगे। किसी ने जवाब नहीं दिया। माँ बाप ने फिर कहा कि इस्माइलियों की तरफ से मैं जवाब दूंगा, लेकिन तुम क्या जवाब दोगे।
कोई ना बोला। पब्लिक में साहब इस्माइलियों की खुद की जोखिमदारी उठाते हैं कि इस्माइलियों की तरफ से जो मेरे मुरीद हैं इनकी तरफ से मैं जवाब दूंगा। कितनी बड़ी चीज है ये। दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म गुरु नहीं कि जो ये जोखिमदारी या ये जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवे कि वो सबकी तरफ से जवाब मैं दूंगा। मौला ने ये जवाब जब उन लोगों को दिया और फिर भी वो कुछ न बोले तो फिर इमाम ने अपनी स्पीच जारी की, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना की और माँ बाप ने फरमाया कि मैं पाउंड टू पाउंड दूंगा, मस्जिदें बनाओ, मदरसे बनाओ, मौलवी तैयार करो, मुल्ला तैयार करो, टीचर्स तैयार करो, आधा खर्च तुम्हारा आधा मेरा और मैं जो दूंगा वो इस्माइलियों की तरफ से दूंगा। हमारे मजहब के अंदर जब एक बच्चा पैदा होता है हम अपने बच्चे को थोड़े दिनों के बाद मुखी साहब के पास ले आते हैं और मुखी साहब के पास आके हम उसकी हाजिर इमाम की बैत करवाते हैं, माँ और बच्चा छांटा लेते हैं। ये जो बैत है इसको हमारे मजहब के अंदर, हमारे गिनानों के अंदर, मौलाना हाजिर इमाम के फरमानों के अंदर कांगवो भरना कहते हैं। ये कांगवे की रस्म है, कांगवा कहते हैं। इसी तरह की इमाम के सामने हम अपनी जान माल आल औलाद धन मन धन जो कुछ भी है हम सब कुछ दे देते हैं, इसको कांगवा कहते हैं। फिर इमाम की तरफ से जो प्रॉमिस होता है उसको कांकन बांधना कहते हैं, यानी मुखी साहब जो छांटा देते हैं और उसकी बयत कबूल करके उस बच्चे के सिर पे हाथ फिराते हैं तो ये एक किस्म का प्रॉमिस है इमाम की तरफ से कि इमाम तेरी रक्षा करे। जिस मौला की खातिर हमें भव सागर उतरना है मोमिनों उसकी हमें सेवा करनी चाहिए। पीर का कहना यूं है, हमारा हजर इमाम दुनिया के अंदर आप कभी विचार करो जितने भी धर्म गुरु हैं वो सब धर्म गुरु एक तरफ रख के आप हजर इमाम के साथ उनकी सरखामनी करो तो आपको पता लगे कि हमारा इमाम, हमारा मजहब दुनिया में एक यूनिक मजहब है। ऐसा कोई मजहब भी नहीं, ऐसा कोई धर्म गुरु भी नहीं। वो अल्लाह का नूर जिसने जमीन आसमान पैदा किया उसी खुदावंद आलमीन ने दुनिया के अंदर नबी भेजे और उन नबियों ने लोगों को खुदा ताला का रास्ता बताया, नेक बनो, अच्छे बनो, सच बोलने वाले बनो, दगा फरेब न करो, किसी का बुरा न करो, किसी के भी साथ फरेब न करो, किसी का हक न खाओ, किसी पे जुल्म मत करो। दुनिया के अंदर कभी किसी ने आपका बुरा कर दिया है आप उसको माफ कर दो, बख्श दो। हमारा जो मजहब है मैंने आपको अर्ज की कि वो नबियों का दीन है। इस दीन के अंदर आके हमें अपने दीन को समझना चाहिए और दीन को समझने के लिए हमें थोड़ी बहुत स्टडी भी करनी चाहिए। हजर इमाम कौन है, हजर इमाम को हम हजर इमाम क्यों मानते हैं, क्या सचमुच हजर इमाम अल्लाह का नूर है। हमारे अपने मजहब के अंदर ऐसी बहुत सी किताबें हैं, फिर सदरदीन के गिनान हैं, फिर शम्मत के गिनान हैं, हमें इन गिनानों को पढ़ना चाहिए। कल मैं एडमंटन के एक जमात खाने में वाज कर रहा था, मैंने कहा छोटी उम्र से इंडिया पाकिस्तान के अंदर जहाँ मैं बड़ा हुआ पैदा हुआ वहाँ उस जमाने के अंदर घर की बूढ़ियाँ यानी छोटे से गांव के अंदर गरीब कुटुंब की बात है, वो लोग थोड़ा सा कपास लेके आवे, उस कपास को साफ करें, कपास यानी कॉटन, फिर एक रेतिया यानी एक स्पिनिंग व्हील लकड़ी का हाथ से बनाया हुआ जैसे गांधी ने शुरू किया था उसमें से वो यान बनावे और रेतिया चलावे, चरखा चलावे और गिनान बोलती हमें। गरीब घरों के अंदर घंटी होती थी चक्की, उसके अंदर दाल चावल गेहूं बाजरी वगैरह वो दल की आटा बनावे तो घर की कोई भाई वो चक्की चलाती होवे और गिनान बोलती होवे। घर में रसोड़ा पकता है, रोटी पका रही हैं, चावल पका रही हैं, आटा गूंध रही हैं और से गिनान ललकार रही हैं, घर के बच्चे सुन रहे हैं। बम्बई के अंदर अभी कम हो गया लेकिन पहले घोड़ा गाड़ी चढ़ाने वाले बहुत से इस्माइली मोमने थे,
वो लोग गाड़ी चलाते होंगे और ज्ञान बोलते होंगे। वो चीजें जो प्यार और मोहब्बत थी ज्ञान बोलते थे, मौला की याद में रहते थे। मौलाना हजरत इमाम ने आज हमको ये फरमान किए, यानी 4-5 बरस की बात है, बैतुल ख्याल का फरमान है, मबा फरमाया कि सुबह की इबादत कर लेने के बाद आखा दिन तुम या अल्लाह या मोहम्मद या अली या सलवात, कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें ठीक लगे, सारा दिन उसका रटन करते रहो, उसको याद करते रहो, ताकि सारा दिन तुम खुदा ताला के ख्याल के अंदर इन्वॉल्व रहो। हम इस्माइली दूसरे मुसलमान भाइयों से जुदा इसलिए हैं, हमारा मजहब इस्माइली है, हम रूहानी मजहब वाले हैं। वो आदमी के जो इस्माइली मजहब में है और दुनिया की मौत शौक में पड़ा है, उसको इस्माइली मजहब से फायदा नहीं मिलता। इस्माइली मजहब जो है वो रूहानी मजहब है, और हमारे ऊपर ये फर्ज है कि हम चालू सारा दिन भी खुदावंद आलमीन को याद करते रहें। और दीनदारों, जिस तरह आप दुनिया में किसी को टेलीफोन करते हो और सामने रिंग बजती है, तो घर के अंदर अगर कोई होता है तो रिंग उठा के आपके साथ बात करता है, इसी तरह से हमारे दिल के अंदर रूहानी टेलीफोन है। जब आप मौला को याद करते हो तो मौला आपको याद करता है। कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह फरमाता है, जब मेरा बंदा मुझे याद करता है, मेरा जिक्र करता है, मैं उसका जिक्र करता हूँ, मैं उसको याद करता हूँ। 1946 के अंदर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की डायमंड जुबली थी। डायमंड जुबली के टाइम से पहले मौला 5 महीने इंडिया आ गए थे, 5 महीने पहले। जुबली तो मार्च की 10 तारीख को थी, लेकिन मौला अक्टूबर महीने के अंदर आ गए थे। सारा हिंदुस्तान घूमे, जहाँ भी जमातों में जावे तो उनको कहें, देखो मेरी डायमंड जुबली है, बम्बई ने मेरी तुला दीदी है, तुम जरूर आना, सिवा के 100 बरस के ऊपर जिसकी उम्र हो जाए उसको मैं कहता हूँ कि मत आना। 2 आदमी थे सारे उस वक्त जिनकी उम्र 100 बरस के ऊपर थी, एक जंजिबार के अंदर वारस अली दीना था और एक बम्बई के अंदर आदमी था, इनकी 2 की उम्र 100 बरस के ऊपर थी। और बम्बई के अंदर जो आदमी नहीं था, यानी मरल आदमी नहीं था, मिशनरी सब्दली की माँ थी, मेघबाई माँ, उस वक्त उसकी 104 बरस की उम्र थी। इमाम सुल्तान मोहम्मद से सारी जमातों को बोलते आए कि मेरी जुबली में जरूर आना। सारी दुनिया के अंदर उस वक्त एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट का टाइम था, लोगों को एक नवाई लगती थी, इस्माइलियों को तो ठीक, लेकिन गैर इस्माइलियों को भी, एक 250 रतल के एक आदमी को हीरो में तोलना। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह 246 पाउंड थे और उसको हीरो में तोलना है, और ऐसा नहीं है कि साहब उधर कपड़े उतार के बैठने वाला था, उसका कोट, उसके बूट, वो सब हमने हीरे में तोले हैं। तो एक्साइटमेंट का टाइम था। ग्वादर, मस्कत, पसनी और माड़ा, बसरा और इस इलाके के ये जो पर्शियन गल्फ की जमात थी, ऐसे 600 आदमी उन्होंने एक बोट, एक स्टीमर को चार्टर किया और इसमें ये लोग आ रहे थे। फरवरी के आखिर का जमाना था, रस्ते के अंदर एक तूफान आया। तूफान आया और उस तूफान के अंदर बहुत सी स्टीमरें डूब गईं। बंबई में हेडलाइंस आई टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, डेली पेपर था, कि आगा खान के मुरीद 600 पर्शियन गल्फ की जमात के लोग बंबई आ रहे थे, रस्ते में तूफान आया और स्टीमर डूब गई। जिन जिन के रिश्तेदार थे बेचारे, उनके घर के अंदर तो दुख की लहर दौड़ गई। सुबह 10 बजे मौला जब हसनाबाद में आए और मुखी ने अर्ज की कि खुदावंद ये बात बनी है, मबा फरमाया, टाइम्स ऑफ इंडिया मंगाओ, पेपर मंगवाया, मबा अपने अपना चश्मा उतारा और पेपर पढ़ा। पेपर पढ़ा साहब ने, साहब ने अपनी आंखें बंद कर ली। 2 मिनट तक मौला बैठे रहे, वो 2 मिनट हमको इतने लंबे लग गए कि बात छोड़ दो, हमको ऐसा लगा कि 2 दिन हो गए हैं। 2 मिनट के बाद मौला ने आंखें खोली
और हंस के कहते हैं, मुखी को मुखी, मेरे जो बच्चे हैं वो सलामत हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं। आमीन खुदा। इमाम ने फरमाया कि मेरे बच्चे सलामत हैं, जो स्टीमर डूब गई उसमें मेरे बच्चे नहीं हैं। जमात खुश हो गई। तीसरे दिन कराची से टेलीग्राम आया कि हम सही सलामत कराची पहुंच गए हैं। वो टेलीग्राम लेके बंगले पे गए, मौला को दिखाया, मौला फरमाया मैंने तुमको कहा था कि जो स्टीमर डूब गई वो मेरे बच्चे नहीं। बात ऐसी थी कि ऐसी ही एक और स्टीमर थी मुगल लाइन की, मुगल स्टीम नेविगेशन कंपनी की, उनके अंदर भी करीबन 600 आदमी थे, वो स्टीमर डूब गई। अभी वो जो फिगर थी करीबन 600 की, वो 600 की फिगर इनके साथ टेली होती थी, इसके लिए प्रेस रिपोर्टर्स ने उसमें गड़बड़ कर दी और ये रॉयटर्स की न्यूज में आ गया कि आगा खान के मुरीद जुबली देखने जाते थे इंडिया में, वो स्टीमर डूब गई। लेकिन माँ बाप ने हमको पहले से कह दिया वो मेरे बच्चे नहीं थे। माँ बाप को जब ये टेलीग्राम बताया तो माँ बाप ने ऑफिसरों को हुक्म किया कि अब उन लोगों को टेलीग्राम करो, टेलीफोन करो कि कराची से बम्बई में ट्रेन में आवे, स्टीमर में मत आवे। इन्होंने टेलीफोन किया, एक स्पेशल ट्रेन का बंदोबस्त किया। 3-4 दिन के बाद ये लोग बम्बई आए। मस्कत के मुखी इब्राहिम माला ने मेहमानी रखी मस्कत और ये सब पर्शियन जमात की तरफ से। बहुत मोटा और बुजुर्ग आदमी था, दाढ़ी थी, जबा पहना है, मस्कती पगड़ी जो लोग ये अरब बांधते हैं ऐसी उसने यमनी टाइप की पगड़ी बांधी हुई। माला जब आके बैठे तो माँ बाप खुद एक बच्चे की तरह बेचैन थे। मुखी अभी सब अच्छी तरह बैठे भी नहीं और आधे बैठे हैं, बैठते हैं और बातें करते हैं। मुखी तुम माशाल्लाह सही सलामत आ गया। हाथ खुदावन हाथ जोड़ के मौला को अरज की। माँ बाप फरमाया नजदीक आओ। मैं थोड़ा नजदीक आया। मुखी हमको सब बात सुनाओ, क्या हुआ? मुखी ने अरज किया, खुदावन हम ये फलानी फलानी जमात ने मिलके स्टीमर चार्टर की और हम तेरी डायमंड जुबली देखने के लिए आते थे। तो बेचारा बुजुर्ग आदमी बोले तो सांस लेवे तो सांस उसको दम न लेने दे रहे। फिर बोले क्या हुआ मुखी, फिर क्या हुआ? से खुदावन आराम से चले आते थे और रास्ते में बारिश हुई, ये बारिश से फिर तूफान आ गया। वो बेचारा जरा चुप हुआ तो सब फिर पूछते हैं फिर क्या हुआ मुखी? खुदावन तूफान बहुत बढ़ गया और कैप्टन ने हमको कह दिया कि खुदा के सिवा अब इसमें से बचने का और कोई आसरा नहीं। मुखी फिर क्या हुआ? इससे खुदावन हम लोग जरूर घबरा गए, हमने सताड़ा डाला स्टीमर में, हमने सताड़ा डाला। मुखी फिर क्या हुआ? इससे खुदावन हम रो रो के अरज करते थे कि या मौला मौत से नहीं डरते लेकिन हम तेरी डायमंड जुबली देखने के लिए निकले हैं, हमको एक दफा डायमंड जुबली दिखा दो, जब हम वापस आवे तो फिर भले डूबो देना, हमें कोई परवाह नहीं। मुखी फिर क्या हुआ? कहते खुदावन सताड़ा जब हमने डाला तो सताड़े के तीसरे दिन बारिश थम गई और एक आध दिन के बाद हम एक किनारे के ऊपर लगे। कैप्टन ने हमको कह दिया कि अब खतरे की कोई बात नहीं। खुदावन ऐसी ऐसी लहरें उठती थी कि सारा स्टीमर पानी से भर जाता था और हम पानी निकालते थे, हम तुझे याद करते थे। और फिर मुखी रो पड़ा, ऐसा रोया कि खुद मौला की आंख में भी आंसू आ गए। थोड़ी झारस हुई तो साहब ने उसके जब्बे का कॉलर पकड़ा। माँ बाप फरमाया मुखी हम तुमको बचाया, हम तुमको बचाया, तुमने हमको याद किया
हम हमने तुमको बचाया, हा खुदावंद तुमने हमको बचाया। मबा फरमाया इंशाल्लाह अब तुम्हारे ऊपर सारी जिंदगी कोई बला नहीं आएगी, सुख शांति से जाओगे। मुखी हम तुमको बचाया, हा खुदावंद आपने हमको बचाया। खुदावंद हम सताड़े के अंदर रोज पीर का वो पाठ पढ़ते थे, तुझ बिना कोई अवर नदी से है जी, तुझ बिना कोई है अवर नदी से, स्वामी मने छे तमारो आधार जी, छे तुझ बिना हमें कला सा का पाठ बोला, मौला के पांव पे पड़ा, मौला फरमाया अलबत हमने तुमको बचाया मुखी, अब सारी जिंदगी तुम्हारे ऊपर कोई बला नहीं आएगी। मोमिनो हमारा जो मजहब है वो एक जीते जागते नूर की शनाखत में है, हमारा धर्म गुरु जिंदा है। इसना शरीफ हो रहे दुनिया के और मजहब वाले किसी आने वाले का इंतजार कर रहे हैं। इधर जहवाज बिजनेस वाले हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर, अब एक नाम का वो एक पेपर निकालते हैं, आप कभी पढ़ो खराब नहीं, आपको अपने मजहब की खूबी नजर आएगी। क्या वो भी इंतजार कर रहे हैं कि बस दुनिया का एंड नजदीक है और जीसस आने वाला है, मसीहा आएगा। यहूदी लोग इंतजार करते हैं, मुसलमान इंतजार करते हैं, बोरे इंतजार करते हैं, दुरूज इंतजार करते हैं, इशनाशरी इंतजार करते हैं, हिंदू इंतजार करते हैं, दुनिया के हर एक मजहब के लोग किसी आने वाले की राह देखते हैं। मैं 1970 के अंदर एक दफा मैं लेबनान गया, वैसे तो मैं 20-22 दफा बेरूत लेबनान गया हूँ, मगर 70 की मैं बात करूँ, वहाँ हमारे एक दोस्त थे, आजकल वो दमस्कस में रहते हैं, लॉयर अपना इस्माइली सीरिया का रहने वाला सलमिया का शेख खुदर हमवी, उसके साथ एक दफा दुरूज लोगों का जो हेड था शेखुल अक्ल उसको मिलने के लिए लगभग 70 किलोमीटर जितना दूर बेरूत से पहाड़ों के अंदर रहता है, इन दुरूज के लीडरों को मिलने के लिए मैं उसके साथ गया। अरेंजमेंट उसने कराया, हमारे साथ डॉक्टर मुस्तफा गालिब भी था जो अभी कुछ एक साल हुआ बेचारे गुजर गए हैं, उनके साथ हम बैठे। दुरूज लोग जो हैं वो भी इस्माइली हैं। मौलाना इमाम हाकिम जब भी गुजर गए, मौलाना हाकिम का खून हुआ, लेकिन बात यह हुई कि मौलाना हाकिम का खून हुआ लेकिन मौलाना हाकिम की शरीर मुबारक मिला नहीं, न जाने खून करने वाले ने दफन कर दिया होगा। इमाम हाकिम का खून हुआ और उनका घोड़ा खाली आ गया तो इस्माइली लोगों के अंदर फांटा पड़ गया, जमात में दो मत हो गए, एक कहने लगे कि अगर उनके कत्ल किया गया है तो लाश तो मिलनी चाहिए, तो दूसरे ये कहने लगे कि उनको कत्ल नहीं किया गया, वो खुद आसमान पे चले गए हैं और जरूर आएंगे। तो जमात के अंदर जब ही दो मत हो गए, जमात स्प्लिट हो गई, वो लोग के जो पक्के इस्माइली थे अपने इमाम को जानते थे, उन्होंने मौलाना इमाम जाहिर को अपना इमाम कबूल कर लिया और वो हम लोग यानी इस्माइली लोग, उसके बाद इमाम निजार, हम लोग निजारी हैं। मगर ये जो स्प्लिट हो गई तो ये उधर बैठे रहे, इनमें से एक बहुत बड़ा दाई था, उसका नाम था हमजा। अच्छा 60 बरस के बाद
इन दुरुजियों के अंदर इनके जो ईमान और अकीदा था, इन लोगों की जो मान्यता थी, इसमें फर्क पड़ गया। और इस नाशरी और बोहरों की तरह, बोहरे उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, बोहरे तो इमाम मुस्तनसिर बिल्ला और निजार के बाद पैदा हुए, लेकिन इस नाशरी लोग थे। तो ये लोग कहने लगे कि इमाम हाकिम आसमान पे चले गए और कयामत के नजदीक 1000 बरस के बाद वापस आएंगे। इन दुरुजी लीडरों के पास में बैठा था, तो मैंने उनके लीडर को पूछा, मैं बोला आप लोगों का ये जो अकीदा है क्या ये सच है? तो कहते हाँ सच है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि अभी वो 1000 बरस तो नजदीक में पूरे होने वाले हैं। मुझे बोला हाँ 18 बरस बाकी हैं। 18 बरस का हिसाब करो, 1970 में तो 1988 में 18 बरस, 1000 बरस पूरा होता है, 6 बरस बाकी है आज से। तो मैंने ऐसा हंसते हंसते चाय पीते पीते मैंने कहा कि 18 बरस तो कोई बड़ी लंबी मुद्दत नहीं, कल निकल जाएंगे। लेकिन मैं पूछता हूँ, ऐसा मान लो कि 1989 में 1990 तक भी कभी तुम्हारा इमाम वापस ना आया तो क्या करोगे? मुझे कहते हैं आगा खान को पकड़ लेंगे, क्योंकि आगा खान का दावा है। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो वो लोग इंतजार करते हैं, इसनाशरी इंतजार करते हैं, क्रिश्चियन लोग इंतजार करते हैं, यहूदी लोग इंतजार करते हैं, हिंदू लोग इंतजार करते हैं। लेकिन हम इस्माइलियों को पता है कि जिसको दुनिया ढूंढ रही है वो तो हमारे पास बैठा है। हमारा इमाम न कभी मरता है न कभी गायब होता है, ये जीती जागती ज्योत है। कहीं भी इस किस्म का मजहब आपको नहीं मिलेगा। वो जमाना अब नजदीक आ रहा है। हमारा फर्ज क्या है कि जो मौला हमको हुक्म करे, मौला जिस बात पे हमें चलाए, वो दीन की बात होवे कि दुनिया की बात होवे, हम उसके ऊपर अमल करें। दुनिया के अंदर भी हमें उसने रहम करके किसी अच्छी जगह के ऊपर रखा। दिनदारों, मैं जब भी इधर कनाडा या अमेरिका में आता हूँ और ऐसे जमात खाने कारपेट वाले, ये चैंडेलियर्स वाले, ये खूबसूरत जमात खाने देखता हूँ, तो मेरे ख्याल के अंदर मैं वापस जाता हूँ, सलमिया, ईरान, अफगानिस्तान, इन मुल्कों के जमात खाने देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि कितना डिफरेंस है। उन जमात खानों के अंदर चटाइयाँ भी नहीं, एक मुखी कमरिया के लिए एक चटाई होती है, बाकी सारी जमात मिट्टी में बैठती है, फ्लोर के ऊपर चटाइयाँ भी नहीं, कोई चीज नहीं। और एक हमारे जमात खाने ऐसे खूबसूरत आलीशान जमात खाने हैं, मगर वो लोग जितनी इबादत करते हैं, हम लोग अपने जमात खानों में इतनी इबादत नहीं करते। हम लोग हजर इमाम के स्पॉइल्ड बच्चे की तरह हैं। हमें अपने मजहब का पता नहीं, हमारी लाइफ के अंदर ऐश, आराम, सुस्ती, गफलत, ये चीजें, लेजीनेस आ गई है रूहानी दृष्टि से। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग इस मुल्क के अंदर आके नई जिंदगी शुरू की है, मौला के बहुत शुक्र गुजार हैं कि उसने हमें अफ्रीका से ऐसे अच्छे देश में रखा जहाँ हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, यहाँ कोई तरह का प्रदर्शन नहीं है, यहाँ हमें कोई तरह का डर नहीं, भीख नहीं, आप खुले दिल के साथ अपने मजहब के ऊपर अमल कर सकते हो। हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुओं के अंदर ऐसे बहुत सी सोसाइटियाँ और ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे कि एक मशहूर है शिवसेना, इस्लाम की कट्टी दुश्मन है ये सोसाइटी, जहाँ भी उनको मौका मिलता है मुसलमानों को हैरान करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जाओ तो सुन्नी लोग हमको बुरी नजर से देखते हैं। अभी 2 महीने पहले चित्राल के अंदर हमारे लगभग 1 लाख कितने इस्माइली हैं चित्राल और आजू बाजू में। जुलाई महीने के अंदर चित्राल में गड़बड़ हो गई, एक मुल्ला ने मस्जिद में वाज किया कि इस्माइली लोग जो है वो मुसलमान नहीं। 2-3 दिन के बाद कोई दो दोस्त थे आपस में, मजहबी चर्चा हुई, एक सुन्नी था एक इस्माइली था, आपस में डिबेट हो गई, वाद विवाद हुआ, उसमें झगड़ा हो गया, गाली गलौज हुई, मारा मारी हो गई, उसके दोस्त आ गए, इसके दोस्त आ गए, बहुत से इस्माइली मारे गए, ये 2 महीने पहले की बात है, बहुत से जख्मी हो गए। मैं जमात खाने से आके बीबीसी की न्यूज सुन रहा था और खुद मैंने कानों से ये जब बीबीसी में न्यूज सुनी तो दिल को बहुत उदासी हो गई। उसने बीबीसी वाले ने तो ये कहा कि भाई 7 इस्माइली मारे गए, 200-250 जख्मी हुए,
लेकिन बाद में पता लगा कि कुछ ज्यादा नुकसान हुआ हमारा। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि उन देशों के अंदर मजहब पालने के लिए हमें तकलीफें पड़ती हैं, जान भी देनी पड़ती है। कनाडा के अंदर हमें इस बात का कोई डर नहीं। बोला मैं आपको पैसे दिए हैं, बंगले दिए हैं, मोटरें दी हैं, हर तरह का ऐश आराम दिया है, तो उस मौला का शुक्राना अदा करो। सुबह शाम जमात खाने में आओ मोमिनों, हमारे ऊपर फर्ज है। हम इस सोसाइटी में हमने खुद अपने हाथ से मौला का एग्रीमेंट साइन किया है, मौला के साथ बैत की है। शाम को भी आओ, सुबह भी आओ। कोई खास कारण हो गए, कभी किसी का बिजनेस ऐसा है रेस्टोरेंट का कि शाम को जमात खाने नहीं आ सकता, ठीक है, लेकिन सुबह तो जमात खाने मोमिनों आया करो, शाम को भी आओ, अपने बच्चों को लेके आओ, जिनान गोष्ठी करो, इलम जिनान सीखो, तस्वी निकालो, आने वाले दुखों को दूर करने के लिए आजिजी करो। इस वक्त कोई प्रॉब्लम है, हर एक इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए मौला की रूहानी मदद मांगो। आपकी जान में, माल में मौला बरकत देवे, आपकी औलाद को ईमान देवे, ऐसी दुआएं मांगो मौला के हुजूर के अंदर। आपस में सलाह समझ से रहो। इस मुल्क के अंदर मौला करेगा जमात का भावी, जमात का फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, और यहाँ की जमात के ऊपर मौला भविष्य में फ्यूचर के अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डालेगा। इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, दूसरे मुल्कों के अंदर जहाँ हमारे इस्माइली भाई रहते हैं, बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, माइनॉरिटी में हैं, उनको वहाँ के बहुत से लोग तंग करते हैं, हैरान करते हैं, फिर भी हमारे लोग ऐसे दुखों तकलीफों के अंदर रह के भी अपने ईमान को सलामत लेके बैठे हुए हैं, और उन्हें अपने मजहब के साथ मोहब्बत प्रेम है। हमारे लोगों ने पास्ट हिस्ट्री हमारी भरी पड़ी हुई है, हमारे इस्माइलियों ने बहुत दुख उठाए हैं, पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट के अंदर, ईरान के अंदर, रशिया के अंदर, चाइना के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर 23 मिलियन इस्माइलीज हैं दुनिया में, मगर हमको यहाँ इमाम ने खास तौर पे जो खोजा कौम है और खास तौर पे जो अफ्रीका से आए हुए हैं, उनको इमाम ने बहुत अच्छे और सुख वाले जीवन में रखा है। इसके लिए फिर कहते हैं कि उस मौला ने कि जिन्हें तुम्हें दीन दुनिया में सुखी और आबाद किया हुआ है, उसकी बहुत सेवा करो, उसको बहुत याद करो, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करो, वडीलों का, जमात के ऑफिसरों का मान रखो, अपने कुटुंब कबीले के अंदर भी माता पिता की सेवा करो, एक दूसरे की मोहब्बत करो, झगड़े फिसाद अच्छे नहीं, मियाँ बीवी में, भाई भाई में, इधर के जो रहने वाले वतनी हैं, यहाँ के ये जो वाइट कैनेडियंस हैं, उनके अंदर इस किस्म के बहुत से घरों के अंदर फैमिली झगड़े हैं, उनका फैमिली पैटर्न और किस्म का है, हमें कॉपी नहीं करनी, हमें तो अपनी पुरानी जूनी पुरानी ट्रेडिशन के ऊपर जिस तरह हमारे बाप दादा रहते थे, उस प्रेम मोहब्बत के साथ कुटुंब कबीले में रहना है, मौला को याद करना है। दुनिया भी कमाओ, दीन भी कमाओ, करोड़ोंपति बनो, और यहाँ भी रूहानी पहलवान बनो, और अपनी औलाद को इलम सिखाओ, मौला के घर की सेवा के चांसेस दो, मौला के घर की मोहब्बत सिखाओ, तो आपके दिलों के अंदर भी मौला सुख शांति मोहब्बत इत्तेफाक देगा। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, मौला दो जहान में आपको बरकत देवे, हर बला आफत दूर करे, हर मुश्किल दफा करे, मौला आपको दस्तन सुकरीत में पूरा रखे, मौला आपकी हर उम्मीद पूरी करे, मौला अपनी छतर में छाया में रखे, जान माल में बरकत देवे, आल औलाद में बरकत देवे, इज्जत आबरू ज्यादा करे। मौलाना हजर इमाम कुटुंबों में, कबीलों में सला सब मोहब्बत देवे। मौलाना हजर इमाम जहर बातुन दीदार नसीब करे।